किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे सीड ड्रिल मशीन के बारे में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमारी जो गेहूं बोने की मशीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं सीड ड्रिल, इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। किसान भाई, इस सीड ड्रिल मशीन के फ़ायदे अनेक हैं, जैसे कि कम समय में अधिक क्षेत्र में गेहूँ बोना, या प्रति है इस मशीन से एक घंटे में लगभग 5 की बुआई की जा सकती है। तो जैसे किसान भाई छिटकवा विधि से बोते हैं तो उससे अधिक समय लगता है। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, कम समय तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ खाद के साथ बीज भी इकट्ठा चलते हैं दोनों। आप देख पा रहे हो नलियों में, इनमें हमारे गेहूँ के दाने हैं। इस बॉक्स में हमारा ये जो वैरायटी है HD 2967 वैरायटी है, और पहले दूसरे बॉक्स में हमारा NPK खाद है। तो इससे फ़ायदा यह होता है कि बीज और खाद एक साथ निश्चित दूरी पर चलते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहती है और लाइन में चलता है सब कुछ। तो किसान भाई इससे जब स्प्रे करते हैं खेत में, तब स्प्रे करने में भी आसानी होती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी नई वीडियो जानने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो किसान भाइयों, अब यह देखते हैं इस वीडियो को। जो ट्रैक्टर है महिंद्रा 595 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। तो किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं, ये क्या कर रहे हैं कि सीड ड्रिल से जो बीज की बुआई कर रहे हैं, तो ये इसके इस पर मिट्टी नहीं डाल लें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सीड ड्रिल बोने के बाद उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालते। किसान भाई आप देख सकते हैं सीड ड्रिल इरीगेशन से उसकी सिंचाई करते हैं, जिससे इसे हल्की हल्की मिट्टी अपने आप चली जाती है जब ड्रिप इरीगेशन से हम सिंचाई करते हैं। और इससे सीड ड्रिल से बोने का फ़ायदा होता है कि हमारा 10 से 15% उत्पादन अधिक होता है। किसान भाइयों, देखिए आप लाइन से लाइन कैसे हमारी मशीन बोल रही है।